दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस के अंदर आपको पूरी सिलेबस की जानकारी दी थी, जिसमें हमने आपको बताया था कि एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के अंदर हमें 5 यूनिट पढ़ने हैं। यूनिट 1 से 5 का हमने कंप्लीट डिस्कशन आपको पुराने वाले वीडियोस में दिया है। इस वीडियोस में हम लोग यूनिट 1 के सेक्शन फर्स्ट, जिसे हम इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स की रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आज की वीडियोज़ में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अभी हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स क्या क्या हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स में यूज हो रहे हैं और इसकी बेसिकली आवश्यकता क्यों है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स का मतलब ये होता है कि आप एक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ को दूसरे इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज़ के साथ फिजिकली डिफ्रेंशिएट कर पाएँ, क्योंकि हर एक क्वांटिटीज़ को फिजिकली रिप्रेजेंट करना इज़ नॉट पॉसिबल। तो अलग अलग क्वांटिटीज़ को सिम्बॉलिक फॉर्म में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिससे कि हमें स्केचेज में, वायरिंग डायग्राम्स में, डिजाइन प्रोसीक्योर्स में इसको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होती है। तो हम आज आपको टोटल 50 सिम्बॉल्स पढ़ाने वाले हैं और उस सिम्बॉल्स को हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे अभी आपके इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल्स। तो पहला हमारा है टाइप्स ऑफ करेंट। टाइप्स ऑफ करंट में देखिए क्या है, आप बताइए कितने तरह के करंट होते हैं। सबसे पहले होता है डायरेक्ट करंट, तो आप लिख दीजिए डायरेक्ट करंट, इसको हमने 1 बोल दिया। अब देखिए डायरेक्ट करंट का सिंबल क्या होगा, इसको सिंपल आप एक स्ट्रेट लाइन से डिनोट कर दीजिए। क्या करेंगे आप, एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे आप। अगर हमने कह दिया कि डायरेक्ट करंट को आप डीसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा हमारा है ऑल्टरनेटिंग करंट। क्या हमारा, ऑल्टरनेटिंग करंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, एसी से। और इसका सिंबल क्या होगा, ये इसका सिंबल है। अगर हमने कहा पावर फ्रीक्वेंसी, हमने क्या कहा, पावर फ्रीक्वेंसी को आप कैसे डिनोट करेंगे। पावर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं हम लोग सिंपली जो एसी का सिंबल है। चौथा हमारा है एपरेटस यूज्ड फॉर बोथ एसी एंड डीसी, मतलब ऐसा एपरेटस जिसको आप एसी और डीसी दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसका सिंबल कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले आप एसी का सिंबल बना दीजिए, उसके ऊपर आप क्या बना दीजिए, एक डीसी का सिंबल बना दीजिए। तो ये हो गए आपके करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट, एपरेटस यूज्ड फॉर एसी एंड डीसी, इसको आप यूनिवर्सल एपरेटस भी बोल सकते हैं। पावर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का यूनिट्स पता है आपको, हर्ज होता है, करंट की यूनिट एम्पियर होती है। तो ये सारे यूनिट्स हमें जानने नहीं है, ये सारा हमारा क्या है, सिंबल है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको दूसरे सिंबल्स के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए अगला हमारा क्या है सिंबल में, सप्लाई सिस्टम, आप इसको बोल सकते हैं सप्लाई सिस्टम। हमने बेसिकली सिंबल्स को ना कैटेगराइज कर रखा है, पहले हमने आपको टाइप्स ऑफ करंट बताए, दूसरा कैटेगरी हमारा सप्लाई सिस्टम। तो आप बताइए हमारे सप्लाई कैसे होता है, आपके सप्लाई या तो सिंगल फेज हो सकता है, या आपका सप्लाई 3 फेज हो सकता है, या आपका सप्लाई डीसी सप्लाई हो सकता है। तो आप सबसे पहले, आप अगर किसी ने कहा आपको कि एसी सिंगल फेज सप्लाई सिस्टम, एसी सिंगल फेज की आप सिंबल बना के बताइए, कितना नंबर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 5वां नंबर। तो ये देखिए कैसे बनेगा आपका, सिंपल क्या कीजिए, ये सिंगल फेज है, ऐसे कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए आप 50 हर्ट्ज। 1 क्यों लिखा हमने, 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये सिंगल फेज की बात कर रहा है, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, तो ये हो गई 50 हर्ट्ज। 6ठा नंबर देखिए सिंबल क्या हमारा, किसी ने कहा एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट। अगर इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो तो आप कैसे करेंगे, आप सिंपल क्या कीजिए, 3 फेज है तो 3 लिख दीजिए, एसी का साइन दे दीजिए,
यहाँ 50 हर्ट्ज लिख दीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए 415 वोल्ट जो आपको लिखना था यहाँ पे। अगर आपको किसी ने कहा कि अगर एसी थ्री फेज न्यूट्रल 415 वोल्ट का डायग्राम सिंबल बताओ कैसे होगा, तो आप क्या करेंगे इसमें, बेसिकली 3 लिखेंगे, एन लिखेंगे, एन क्यों लिखेंगे, एन स्टैंड फॉर न्यूट्रल, फिर ये सिंबल बनाएंगे, ये 50 हर्ज और लिखेंगे आप 415 वोल्ट। अब देखिए आठवां क्या है हमारा, टू कंडक्टर वन 10 वोल्ट डीसी, क्योंकि हमारा सप्लाई सिस्टम डीसी भी हो सकता है, तो इसको कैसे बनाएंगे आप, सिंपल क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे और डीसी का पता है आपको एक स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन लिख देंगे, ये लिख देंगे आप 110 वोल्ट। तो अब देखिए इसमें हमने क्या पढ़ लिया, एसी सिस्टम जो कि सिंगल फेज हो सकता है, थ्री फेज हो सकता है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो रिप्रेजेंट कर दिया हमने, थ्री फेज एसी 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थ्री फेज है तो आप लिख दीजिए यहाँ पे 3, 50 हर्ट्ज जितनी वोल्टेज है वो लिख दीजिए, अगर न्यूट्रल के साथ करना है तो आप न्यूट्रल लगा दीजिए, अगर आपकी टू कंडक्टर 110 वोल्ट डीसी की बात करें तो 2 लिख दीजिए, 110 वोल्ट डीसी लिख दीजिए आप, तो ये अपने आप स्ट्रेट लाइन ही बताएगा कि ये आपका डीसी सिस्टम है, ठीक है। तो अगर एक जनरलाइज आप लिख लीजिए आप इसमें जनरलाइज, अगर एम फेज एसी सिस्टम 50 हर्ज, तो जनरलाइज क्या लिख सकते हैं इसको आप, सिंपल आप क्या कीजिए, जितने फेज हैं वो, फिर एसी का डायग्राम, फिर एसी का डायग्राम बना दीजिए आप और यहाँ लिख दीजिए 50 हर्ज, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं आपको अगले सिंबल्स में बताऊँगा। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ तो आपको फिर अगले सिंबल्स में फ़ायदा होगा कि कौन सा सिंबल्स हमें और जानने। अगला देखिए हमने क्या पढ़ना है, अगला हमें पढ़ना है कॉन्टैक्ट्स के बारे में। पहले हमने पढ़ा कितने टाइप्स के करंट होते हैं, फिर सप्लाई सिस्टम कितने, फिर हमारा कॉन्टैक्ट है सेक्शन 3, हम लिख देते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स में क्या हो सकता है, अगर आपको किसी ने बोला कि भाई आप सॉकेट का डायग्राम बताइए, सॉकेट का सिंबल कैसे होगा, तो सॉकेट कैसे बनाएंगे आप, सॉकेट कैसे बनाएंगे आप, तो देखिए सॉकेट का क्या सिंबल है, बहुत आसान सा सिंबल है, सिंपल सा आप क्या कीजिए, एक ऐसा लाइन कीजिए और एक घंटी के शेप का ऐसा बना दीजिए, एक इसका सिंबल है सॉकेट का है, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, किसी ने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचा और ऐसे बना दिया, किसी ने क्या करा इसको ऐसे बना दिया, तो ये तीनों के तीनों सिंबल जो हैं वो किसके हैं, सॉकेट के हैं। सॉकेट की वोल्ट करंट लेवल क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा थ्रू द कोर्स। सॉकेट के बाद अगला कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है स्विच बोर्ड में, हो सकता है प्लग, तो देखिए प्लग का सिंबल कैसे होगा, प्लग कैसे बनाएंगे आप, सिंपल क्या कीजिए आप, एक लाइन खींचिए ऐसे, एक स्क्वायर शेप में लीजिए ऐसे आप, और इसको स्ट्रेट रखिए आप, और इसको ना आप बिल्कुल जिगजैग लाइन कर दीजिए आप, बिल्कुल ये डिप होना चाहिए, तो ये इसके किसका डायग्राम है, ये आपका प्लग का डायग्राम हो गया। अगर किसी ने कहा कि प्लग और सॉकेट दोनों बनाओ आप, अगर आपको सॉकेट और प्लग दोनों बनाना है तो कैसे बनाएंगे आप, आपने कह दिया प्लग एंड सॉकेट, इसको कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले प्लग बना दीजिए आप, ये रहा आपका, ये हो गया आपका प्लग, और सॉकेट बनाना है सिंपल ऐसे किया और ऐसे कर दिया, ये क्या हो गया आपका प्लग एंड सॉकेट। ये तीन तरह के कॉन्टैक्ट होते हैं, प्लग सॉकेट, प्लग एंड सॉकेट। अगला हम बताएंगे आपको कितने तरह के कंडक्टर्स होते हैं और टर्मिनल्स होते हैं। चलिए आप इसका नंबर भी नोट कर सकते हैं, ये हमारा 10 नंबर था, ये 11 और ये 12 नंबर, अब इसको हम लोग रब कर देते हैं।
सॉकेट के बाद हमारा क्या है, सॉकेट के बाद हमारा है कंडक्टर्स, फिर हमारा है टर्मिनल्स और फिर है कनेक्शंस। अब देखिए कंडक्टर्स कौन कौन से यूज होते हैं, एक तो सॉलिड कंडक्टर होता है, एक फ्लेक्सिबल कंडक्टर होता है, टू कंडक्टर होता है, मल्टी कंडक्टर सिस्टम होता है जो हम लोग वायरिंग डायग्राम में यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हमें किसी ने पूछा कि ये हमारा सॉलिड कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, बस एक थिक लाइन से रिप्रेजेंट कीजिए। आप क्या करेंगे इसको, थिक लाइन, थिन नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, थिक लाइन होनी चाहिए। अगर किसी ने कहा कि सॉलिड कंडक्टर की जगह अगर आपको किसी ने फ्लेक्सिबल कंडक्टर की बात करी, 15 नंबर है हमारा फ्लेक्सिबल कंडक्टर, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे आप, इसके लिए सिंपल सा है, आप एक ऐसी लाइन कीजिए और इसको ऐसे करके, इसको बोलते हैं हम लोग फ्लेक्सिबल कंडक्टर। अगर किसी ने कहा आपसे कि मल्टी कंडक्टर की बात करें, आप सपोज कीजिए किसी ने कहा टू कंडक्टर, होता है कि अगर टू कंडक्टर्स होते हैं तो उसमें आप सिंपल क्या कीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन कीजिए और एक डबल लाइन कीजिए ऐसे, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन कीजिए और यहाँ पे टू लिख दीजिए, तो ये हो गया टू कंडक्टर। अगर किसी ने कहा थ्री कंडक्टर को बनाओ, आप थ्री कंडक्टर कैसे बनेगा, आप सिंपल सोच सकते हैं थ्री कंडक्टर कैसे बनेगा, आप सिंपल से क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन खींचेंगे यहाँ पे, आप लिख देंगे थ्री, या फिर आप कैसा करेंगे, एक ऐसा लाइन खींचेंगे यहाँ पे, तीन पैरेलल लाइन खींच देंगे आप। तो ये हो गए आपके कंडक्टर्स के बारे में पढ़ लिया हमने, अब हम टर्मिनल्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं टर्मिनल्स के बारे में। तो अगर किसी ने आपसे पूछा कि भाई टर्मिनल्स के डायग्राम बनाओ कैसे होगा, टर्मिनल्स कैसे बनाएंगे आप, सिंपल से क्या करना है आपको, एक राउंड शेप ले लेना है, या फिर आप इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ये हो गया टर्मिनल्स। अगला देखिए आप क्या है, टर्मिनल्स के बाद आपका क्या आ रहा है, जहाँ पे दो वायर मिल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं जंक्शन ऑफ कंडक्टर। तो आप देखिए अगर आपसे किसी ने पूछा जंक्शन ऑफ कंडक्टर्स, इसका सिंबल्स कैसे बनाएंगे आप, सिंपल दो लाइन खींचिए आप ऐसे और ऐसे कर दीजिए, आप टी शेप में बना दीजिए, और ये जो है ना जंक्शन, दिस इज द जंक्शन ऑफ कंडक्टर, ये क्या है, जंक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स बोलिए इसको, जंक्शन ऑफ टू कंडक्टर्स। तीसरा देखिए क्या है आपका, ये आपका हो गया 20 नंबर है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने, टर्मिनल्स, जंक्शन ऑफ कंडक्टर, फिर है आपका अगला क्या है आपका, जंक्शन ऑफ कंडक्टर, फिर है आपका क्रॉसिंग विदाउट इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, जहाँ पे दो तारें एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है बिना किसी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को, तो उसको सिंपली आप क्या करेंगे ना, ऐसे कर दीजिए आप, मतलब इसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे कोई जंक्शन बना, बस सिंपल आपको दो लाइन खींच देनी है ना। अब देखिए एक लास्ट बच रहा है इसमें, पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिए अच्छे से। अगला क्या था हमारा, डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर, इसको कैसे पढ़ेंगे आप, सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक लाइन खींचेंगे एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल जंक्शन ऑफ कंडक्टर। तभी तक हमने क्या पढ़ लिया, पहले हमने करंट्स के सिंबल पढ़े, फिर अपने सप्लाई सिस्टम्स के सिंबल पढ़ लिए, फिर हमने टोटल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कनेक्शंस टर्मिनल्स के हमने डायग्राम पढ़ लिए,
अब हम लोग पढ़ेंगे बल्ब्स, फैन और जितने मिसलेनियस आइटम्स हैं उसके हम लोग सिंबल्स पढ़ेंगे। चलिए अगला हमारा क्या है, पहले इसको रब करते हैं हम लोग। अगला हमारा ई सेक्शन बनेगा, ये हमारा है लाइट पॉइंट्स, इसको आप लैम्प भी बोल सकते हैं, फैन एंड जो भी अदर सिंबल्स आपके लगते हैं यूज होते हैं मिसलेनियस सिंबल्स, इसको आप बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें, अभी तक हमने 21 तक कंप्लीट कर रखा है, 22 में देखिए क्या है। 22 सबसे पहले अगर आपने किसी ने कहा कि भाई बल्ब का सिंबल बनाओ, बल्ब का मतलब इनकैंडेसेंट लैम्प की बात कर रहे हैं हम लोग, बल्ब का सिंबल कैसे बनाएंगे आप, सिंबल क्या करना है, एक क्रॉस लगा देना है आपको, एक इसका सिंबल है बल्ब का है, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इसका सिंबल है बल्ब का है। अगला किसी ने अगर कहा आपको बल्ब विथ बल्ब अटैच्ड विथ सीलिंग, अगर कोई बल्ब आपकी सीलिंग के साथ अटैच है तो उसका आप कैसे सिंबल बनाएंगे, सिंपल सा क्या करना है, ऐसे बना देना है या फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, इसको थोड़ा आप अच्छे से बनाइए ऐसे, बस एक डायग्राम आप इसको ऐसे बना सकते हैं। तो ये हो गए आपके बल्ब अटैच विथ सीलिंग एंड जो सिंपल बल्ब है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो अगला देखिए क्या है इसमें, बल्ब आपकी सीलिंग के साथ साथ आपके वॉल में भी माउंट हो सकता है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे बल्ब माउंटेड ऑन वॉल, अगर आपकी कोई बल्ब वॉल में कनेक्टेड है उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, सिंपल क्या कीजिए आप, एक ऐसा कीजिए और एक यहाँ, क्योंकि किसका सिंबल है, ये वॉल का सिंबल है। अगला देखिए 25 नंबर क्या हमारा, किसी ने कहा भाई फैन का डायग्राम बनाओ, फैन का मतलब क्या होता है, सीलिंग फैन बोलिए इसको आप, कुछ नहीं करना है, सीलिंग फैन का डायग्राम कैसे बनाना है, आप ऐसे दो गोला बना दीजिए, ये किसका सिंबल है, सीलिंग फैन का सिंबल है। तो पहले इसको आप देख लीजिए फिर मैं आपको नेक्स्ट सिंबल्स के बारे में बताता हूँ। चलिए इसको हम लोग रब कर देते हैं, तो अभी हमने फ़ैन पढ़ लिया, फ़ैन का मतलब यहाँ पे सीलिंग फ़ैन है, एक हमारा ब्रैकेट फ़ैन भी होता है जो आपको पता होगा, ब्रैकेट फ़ैन इसका सिंबल कैसे बनाएंगे आप, अब देखिए क्या करना था आपको, ये किसका सिंबल है, ये सिंबल है हमारा फ़ैन का, तो ब्रैकेट फ़ैन कैसे बनाएंगे आप, ब्रैकेट फैन आप इस तरह से नहीं बनाएंगे, ब्रैकेट फैन कैसे बनाएंगे आप, सिंपल ये ऐसा कर दीजिए और यहाँ पे ना एक लाइन लगा दीजिए, ये किसका सिंबल हो गया, ब्रैकेट फैन का। किसी ने कहा भाई एग्जॉस्ट फैन का डायग्राम बनाओ, एग्जॉस्ट फैन कैसे बनाएंगे आप, आप सिंपल सा एक डब्बा बनाइए और दो गोला लगा दीजिए, ये किसका हो गया, ये हो गया एग्जॉस्ट फैन। किसी ने कहा भाई एग्जॉस्ट फैन हो गया, ब्रैकेट फैन हो गया, आप फैन रेगुलेटर का डायग्राम बनाइए, तो फैन रेगुलेटर कैसे बनाएंगे आप, फैन रेगुलेटर कैसे बनाएंगे आप,